रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब्जियों का पुलाव बनाएंगे। सब्जियों का पुलाव बनाने के लिए ये एक छोटी गोभी का फूल है, इसको हम इसके फूल निकाल लेंगे। इसके अलावा 3 अदद गाजर है, 2 शिमला मिर्च ली हैं, आलू मैंने 4 अदद लिए हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और टमाटर 3 अदद हैं, और हरी मिर्चें हैं ये भी 3 अदद हैं, 2 नींबू डालूंगी, थोड़ा सा अदरक का पीस डालना है, प्याज है दरमियाने साइज़ की, मटर 1/2 किलो हैं। इसमें मसालों में 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया है, इसमें नमक हसबे जायका जाएगा, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 5 से 6 अदद लौंगे हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं 2 से 3, और बड़ी इलायची है 3 अदद। इसमें अपनी काली मिर्च और धनिया को हम मोटा मोटा कूट के डालेंगे ताकि चावलों में ज़रा मज़ेदार लगता है इसलिए, और खुशबू भी अच्छी आती है, तो हम इन दोनों चीज़ों को कूट के डालेंगे। यह अब हमने आधा कप तेल लिया है, इसमें अपनी दरमियानी हमारी प्याज थी उसको काट के डाला है, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे और उसके बाद हम अपना मसाला जात इसमें ऐड करेंगे। ये हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम अपने टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें काट के वो डाल देंगे। ये हम अपना दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग जो है वो भी डाल देंगे और इसको अच्छा सा भून लेना है हमने। यह हमने अपना धनिया और काली मिर्च को कूट लिया था, वो भी एक चम्मच हमने ले लिया, और बाकी अपने सारे मसाले जात भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम अपनी सब्जी में पहले आलू और गाजर इसमें डाल देंगे ताकि ये इसके साथ ही भून के, गाजर और आलू देर में गलते हैं इसलिए हम इसके साथ ही मसाले के साथ डालेंगे ताकि इसके साथ ही भून के गल जाए। आजकल मौसम है सब्जियों का और सब्जियां बहुत अच्छी आई हुई हैं, हमारे यहाँ थोड़ी सी महंगी हैं लेकिन फिर भी अच्छी आई हुई हैं, और हम इसीलिए ये सब्जियों का पुलाव तैयार कर रहे हैं आज। इसको बस हम थोड़ा सा इसमें 1/8 कप पानी ऐड करेंगे, ये इसमें 1/8 कप हम अपना पानी ऐड करेंगे और इसको ढक के रख देंगे ताकि आलू ज़रा से हमारे गल जाएँ अच्छे से। अब हम अपनी गोभी, शिमला मिर्च और मटर भी ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे थोड़ा सा। और मैं बताती चलूँ कि ये हमने 3.5 कप चावल है मेरे पास, जिसकी मैं आपको मिकदार सारी सब्जियों की बता रही हूँ। ये 3.5 कप हमारे चावल हैं जो हमने 1/2 घंटे से भिगोए हुए थे, अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। पानी हमने उतना ही ऐड करना है जितना हम चावलों में नॉर्मली डालते हैं, यानी 1.5 पड़ोआ जो मैंने आप लोगों को बताया है वही इसमें डालना है। और बस इनको हमने अभी पकने के लिए छोड़ देना है चावलों को, सब्जी इसके साथ जो बकाया पकना रहती है वो चावलों के साथ ही पक जाएगी। ये नींबू अभी हमने शामिल नहीं किए हैं अपने, नींबू हम उस वक्त डालेंगे जब हम चावल दम पे रखेंगे, और ये एक टोटका भी है कि अगर आपके चावल आपको लगे कि नरम हो रहे हैं तो उसके लिए आप ऊपर से नींबू, हम तो जायके के लिए ऊपर डाल रहे हैं, वैसे भी यूं भी चावलों को खिला खिला पकाने के लिए ऊपर से नींबू का रस अगर डाल दिया जाए तो चावल खिले खिले पकते हैं। अब हम इस कंडीशन में हमने चावलों को दम पे रखना है तो इसमें हम अपना नींबू निचोड़ देंगे चारों तरफ घुमा के ताकि सब तरफ चला जाए, और मुझे नींबू के छिलके भी पसंद है तो मैं तो छिलके भी डालूंगी, आप लोगों की मर्जी है डालना चाहें तो। ये हमने 2 अदद नींबू लिए हैं, नींबू का भी आजकल बड़ा अच्छा मौसम, अच्छे मौसम मौसम में अच्छे आए हुए हैं इस मौसम में अच्छे रस वाले, तो इसके लिए भी ये है कि इसका रस निकाल के अगर आप फ्रीज कर लें तो ये अच्छे
अच्छा रहता है, जिस टाइम पर नींबू अच्छे नहीं आए हुए होते उस वक्त काम आ जाते हैं, और ये ख़राब नहीं होता इसका नींबू का रस। बोतल में भर के रखना चाहें या आप क्यूब्स में जमा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके साथ हम थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे और इसको बस दम पे रख देंगे। जी नाजरीन, हमारा सब्ज़ी का पुलाव बिल्कुल रेडी है। इसको आप चटनी के साथ, चटनी भी मैं 2-3 किस्म की बनाना सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, उसके साथ नोश करें, बड़े मज़े का लगता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।